हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज आपको नोनी के बारे में बताऊंगा कि नोनी से क्या क्या फ़ायदा मिलता है। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। ये देखिए, नोनी फल से बनाया हुआ ये टॉनिक है। इसे इस तरह का होता है ये, और ये खासकर जो महिलाएं हैं उनकी अगर कोई लिकोरिया का दिक्कत है और वो कमज़ोर होती जा रही है तो इसे पी के कई तरह की बीमारियों से मुक्ति पा सकता है। ये एक एंटीबायोटिक का काम करता है। ये मार्केट में भी 878 का है। ये जो है समीर मोदी का बनाया हुआ प्रोडक्ट है। समीर मोदी केयर से मिलेगा ये आपको, और इसका डिपो हर शहर में कई जगह पे उपलब्ध है। यह किसी भी महिला के लिए कारगर सिद्ध होता है, जैसे बालों का झड़ना या झुर्रियाँपन आना या कई तरह की बीमारियाँ। सारी बीमारियों को ये जड़ से सही करता है। इसके लिए थोड़ा सा परहेज करने की ज़रूरत है। परहेज में आपको किसी तरह का गरम मसाला का नहीं प्रयोग नहीं करना है, मीट मछली नहीं खाना है और सूखा मिर्च का प्रयोग नहीं करना है। अगर आप खाने में परहेज करते हैं तो दवाई दुगनी तेज़ी से काम करेगा। और खाने में हमेशा भोजन की करना है, दलिया खा सकते हैं, सादा भोजन ही करना है, जिसमें दलिया खा सकते हैं, खिचड़ी खा सकते हैं, जितने हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जी खाना है, सलाद भी ज़्यादा से ज़्यादा खा सकते हैं, दूध घी मक्खन का भी प्रयोग कर सकते हैं। और ये नोनी जो है हमारे फल आलू के आकार का होता है। नोनी फल में करीब 150 पोषक तत्व पाया जाता है। इसका रंग पीला हरा होता है। नोनी फल में इंजाइन की मात्रा 40 गुना होता है। नोनी फल हमारे शरीर में एंटीबायोटिक का काम करता है। नोनी के सेवन करने से कई तरह की बीमारी से बचा जा सकता है, क्योंकि यह हमारे शरीर में जाते ही खून में एनर्जी डाल देता है। हमारे शरीर में हर प्रकार की दर्द को ठीक करता है। यह हमारे शरीर में हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मल करता है। नोनी शुगर जैसी बीमारी को भी नॉर्मल रखता है। नोनी हमारे पाचन क्रिया को भी ठीक करता है। नोनी बालों के होने वाले हर बीमारी को सही करता है। नोनी अस्थमा को भी जड़ से ठीक करता है। नोनी से महिला की लिकोरिया बीमारी भी ठीक होती है तथा और कई अन्य बीमारी, 150 बीमारी से लड़ने की क्षमता देता है। इसे पीने के लिए आपको सुबह खाली पेट कम से कम 20 ml पानी लीजिए और उसमें 3 days तक 5 ml मिला के घोल बना के उसमें पीनिए। फिर चौथे दिन से आप 10 ml पानी में डाल के पी लीजिए। ये सिर्फ सुबह उठ के खाली पेट ही पीना है, और आप रात को जब सोएंगे, सोने से पहले आप इसे खाली पेट पी लें और फिर आधा घंटे बाद खाना खाएं। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।